हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी चारू 313। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, कौन है जो आप लोगों को लेकर गॉसिप कर रहा है और क्यों कर रहा है। बिकॉज कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर रीडिंग करें, सो आज रीडिंग में देखते हैं कौन है जो आप लोगों को लेकर गॉसिप कर रहा है। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट लाइक द वीडियो ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। नाउ लेट्स सी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे रीडिंग्स आप लोगों के लिए आती रहेंगी। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू, सो क्लेम ज़रूर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में, सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, कौन है जो आप लोगों के बारे में गॉसिप कर रहा है इस टाइम और क्यों कर रहा है, ये भी मैं देखूंगी। यूनिवर्स गाइड करिए, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हु इज गॉसिपिंग अबाउट माई व्यूवर्स, यूनिवर्स गाइड करिए, कौन है जो व्यूवर्स को लेकर गॉसिप कर रहा है और क्यों कर रहा है। हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, ओके। सो फर्स्ट वी हैव गिफ्ट, या तो आपने किसी को गिफ्ट दिया या किसी ने आपको गिफ्ट दिया गाइस, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, इसका कमिटमेंट एनर्जी। देन वी हैव मैरिट मेकिंग, सो कौन है जो आपको लेकर गॉसिप कर रहा है। 36 इस पर्सन की एज हो सकती है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 34, कुछ लोगों की 34 एज हो सकती है, या फिर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 6+4 10, नंबर 10 नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो ये इंसान वो है गाइस मैरिट मेकिंग, मुझे लग रहा है ये इंसान वो है जिसको आपने कोई गिफ्ट दिया है या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा गॉसिप कर रहा है इस टाइम, कि पता नहीं आपको उसने गिफ्ट दिया, आपको उसका गिफ्ट पसंद आया भी है या नहीं आया, या फिर किसी तरह से मुझे लग रहा है आप लोगों की प्रमोशन हुई है। इफ़ यू गाइज आर डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मुझे लग रहा है प्रमोशन हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के कुलीग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर गॉसिप कर रहे हैं कि इसको कैसे प्रमोशन मिल गई, इसको बॉस ने कैसे एक प्रमोशन दे दी, या इसको इसके अंदर क्या ऐसी खूबी थी जिसको लेकर ये इतना सक्सेसफुल हो रहा है, ये ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसे भी दिख रहा है, मे बी आप लोगों को कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर किसी ने आप लोगों के साथ कोई ना कोई कमिटमेंट की है, ये कोई भी बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ लोगों की तरफ से ये मुझे रिलेशनशिप की कमिटमेंट दिख रही है, आप लोगों में से कुछ लोगों का हो सकता है रिश्ता या फिर कोई रिश्ता तय पाया, या फिर कुछ लोगों की इंगेजमेंट हुई है और आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है बाइंडिंग की एनर्जी है, या तो आपको किसी ने कमिटमेंट दी है जिसको लेकर लोग जो है वो काफ़ी गॉसिप कर रहे हैं कि आप लोगों का इतनी जल्दी रिश्ता कैसे हो गया, या फिर आपको किसी ने इतनी जल्दी कमिटमेंट कैसे दे दी। यस, इसमें ऐसा क्या था जो इसको ये चीज़ मिल गई, या इसको इसमें ऐसा क्या है जो इसे लोग इतना एडमायर करते हैं या फिर लोग इसे इतनी दुआएं देते हैं, या आप लोगों के अच्छे बिहेवियर की वजह से, आप लोगों के अच्छा लोगों से मिलने की वजह से भी, आप लोगों की मुझे लग रहा है यहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है आपका, तो उस वजह से भी लोग आपसे जेलस होते हैं और उस बारे में भी लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि इससे लोग इतनी दुआएं देते हैं या फिर लोग इसके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इसका इतना अच्छा बिहेवियर कैसे है, आपके बारे में ये गॉसिप की जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीठी ज़ुबान है, मीठी छुरी, इस टाइप की करके कुछ गॉसिप हो रही हैं आपकी कि बहुत ही इसके ज़ुबान बहुत मीठी है, या फिर एक फेक पन है इसमें, फेस पे कुछ है लेकिन अंदर कुछ हो रही है, इस तरह की कुछ गॉसिप आपके बारे में भी की जा रही हैं आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से। चाहे आप अच्छे हो लेकिन दूसरे जो आप लोगों के बारे में ऐसी गॉसिप कर रहे हैं, वो आपके इस अच्छे नेचर की वजह से, आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से, आपके अच्छे लोगों से पब्लिक रिलेशन की वजह से उनको नहीं पसंद कि आपको लोग दुआएं दें या फिर लोग आपको एडमायर करें या लोग आपके इस एक मोरालिटी की वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करें। कुछ लोग कमिटमेंट में आए हो, या तो आपका रिश्ता तय हुआ है या इंगेजमेंट हुई है या किसी तरह से कोई आपकी मैरिज हुई है या फिर किसी ने आपको कोई उस बारे में कुछ गिफ्ट दिया ऐसा कि लोगों को नहीं पसंद कि आपको क्यों वो गिफ्ट मिला। वी हैव लोनलीनेस, यस, वो लोग गॉसिप इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो खुद अकेले हैं, ये चीज़ उन लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है, वो ये चीज़ लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है क्योंकि उनकी लाइफ में ये खुशियाँ नहीं हैं जो कि वो आपकी
लाइफ में भी इन चीज़ों की खुशियों को देखकर हज़म नहीं कर पा रहे गाइस। उन लोगों की ना हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी जो है ना अजीब सी उनको इलनेस स्टार्ट हो रही है, कोई ना कोई डिसीज़ हो रही है उन लोगों को। वो लोग आपकी लाइफ में ही आपको पॉजिटिव मिलते हुए चीज़ें, या फिर लोग आपको पॉजिटिव मिलते हुए, या आपको लोगों को लोग आपको अप्रिशिएट जो कर रहे हैं, वो चीज़ें देख कर ना उनको काफ़ी ज़्यादा ना डलनेस हो रही है। वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा सैड होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो नहीं पसंद करते कि आपके बारे में कोई भी अच्छा आपको ट्रीट करें। वी हैव इमेजिनेशन, यस, आप लोगों ने जो चाहा है या जो भी इमेजिन किया है, आप लोगों की हर ख्वाब हर ड्रीम आपका जो पूरा हुआ है, उनको नहीं पसंद। उनको लगता है कि आप लोगों ने आप लाइक जो कोई फैंटसी टाइप की जो सिचुएशन होती है ना, लाइक फैंटसी जो भी आप करते हो, या आप जो भी सोचते हो, या आप जो दुआ करते हो, वो आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है। तो यही आपके अच्छी लक से ये लोग जो है ना गोसिप कर रहे हैं, उस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ना बुरा फील हो रहा है और बुरी गोसिप की जा रही है। आपके बारे में कोई अच्छी गोसिप नहीं मुझे दिख रही यहाँ पे। या नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। वी हैव एडवेंचर, या तो आप लोग एडवेंचर कर रहे हो बहुत ज़्यादा, घूम फिर रहे हो अपनी लाइफ में, चिल कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट हो अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, आगे सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और यही प्रोग्रेस लोगों को तकलीफ दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हो, तो लोग इस बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एरोनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा किसी तरह से एक तंजिया टाइप के लहजे में आप लोगों को आपके बारे में बात की जा रही है। और ये वही लोग हो सकते हैं जो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से। कुछ लोगों की वर्किंग प्लेस है और कुछ लोगों की फैमिली में ही ये लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। वो लोगों का दिल जा रहा है आपके सामने अपनी भड़ास निकालें आके, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल बड़ी मुश्किल से किया हुआ है उन लोगों ने, उनसे हज़म नहीं हो रही है चीज़। ट्रंप, या आप सक्सेसफुल हो रहे हो गाइस, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, और यही चीज़ उन लोगों को दुख दे रही है, यही चीज़ उन लोगों को तकलीफ दे रही है। आपको आपकी लाइफ में ग्रो करता हुआ, फाइनेंशली ग्रो करता हुआ देख रहे हैं वो। आप यहाँ तो सेविंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, फाइनेंशली आप ग्रो कर रहे हो गाइस। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की ना फाइनेंसिस में, करियर में आपकी बहुत ग्रोथ दिख रही है मुझे, और यही चीज़ उनको तकलीफ दे रही है, यही चीज़ उन लोगों को दुख दे रही है, वो अंदर ही अंदर डैमेज होते जा रहे हैं। हो सकता है फेस पे तो आपको शो दुआएं देते हों, या फेस पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आपको शो करते हों, लेकिन गॉसिप की जा रही है आपकी बैक पे। तो कंट्रोल किया भाई, किस तरह कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है, नहीं तो ऐसे लोगों को बस ना चले वो आपको डायरेक्ट आके जो है क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें कि तुम्हारे में ऐसा क्या है, तुम्हारी इतनी किस्मत क्यों अच्छी है। लोग जेलसी में करते हैं ऐसा, बहुत बहुत जेलस होते हैं लोग। आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा जिन लोगों के कोई ना कोई टॉक्सिक ऐसे कनेक्शन है, या फिर कोई रिश्तेदार हैं ऐसे, लेकिन ये इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। लिटरली ये लोग हो सकता है रोते भी हों, तड़पते भी हों, उनको ये नहीं पता कि आपने ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं अप्रिसिएशन, या आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है, आप लोगों को विक्ट्री मिल रही है, उसके पीछे आप लोगों की कितना हार्डवर्क है वो कोई भी नहीं देखता, और ये वाकई कोई नहीं देखता। उनको बस यही नज़र आता है इस बंदे को सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है, वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसने कितना हार्डवर्क किया, उसके पीछे उस पर्सन ने क्या उस चीज़ की कीमत अदा की है, वो कोई नहीं देखता। अगर आपके कहीं पे कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहे हैं, कोई आप लोगों की पर्सनल लाइफ आगे ग्रो कर रही है, रिश्ता होना, या फिर आपकी इंगेजमेंट होना आपकी, या फिर कोई ना किसी तरह से मैरिज डेट फिक्स हो रही है, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, वो लोगों को काफ़ी तकलीफ दे रही है ये चीज़ कि आपकी क्यों हो रही है, उनकी क्यों नहीं हो रही है, उनके किसी बच्चे की क्यों नहीं हो रही। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस गाइज, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आपका फ्लरिश कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको वेल्थ मिल रही है, आपकी लाइफ काफ़ी सिक्योर हो रही है, प्रोटेक्टेड हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंट आ रही है, आपका कंफर्ट देख के, आपकी लाइफ को डिसिप्लिन देख के ये लोग बातें बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दुख हो रहा है। या जो लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, आपको प्रेयर्स दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी बोला जा रहा है कि क्यों देते हैं इनको दुआएं, इनके अंदर ऐसा क्या है।
वी हैव अ पेज ऑफ पेंटिकल्स. यस, आप या तो आपको मैनिफेस्टेशन, आप लोग जो कर रहे हो आपको सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, या फिर मुझे लग रहा है आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपके करियर से रिगार्डिंग. ठीक है, कोई इनको न्यूज़ जो मिल जाती हैं आप लोगों को लेकर, इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों के बारे में कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, या फिर आप लोगों की तरफ से खुद ही यू नो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं. आपकी स्किल देख कर, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आपको देख कर, यू नो आपका एम्बिशियस देख कर, फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ये चीज़ें उनको नहीं बर्दाश्त. क्योंकि यहाँ पे आप देख लो बैक टू बैक पेंटिकल्स है, नीचे भी पैसा ही पैसा दिख रहा है, तो उस चीज़ को लेकर वो नहीं देख रहे, लोगों से नहीं देखा जा रहा ये चीज़. चाहे आप क्या कर रहे हो, किस तरह से मिल रहे हैं, वो नहीं उनको नहीं वो चीज़ पसंद आ रही गाइस. यस, वी हैव हैंगमैन. यस, आप लोग सेक्रीफाइस जो कर जाते हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचते हो ना, उसके बाद आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ में मुझे लग रहा है आप ना एडजस्ट होने वाले इंसान हो. वो चीज़ें इनको ना काफ़ी तकलीफ़ देती हैं कि इस इंसान के ऊपर अगर बुरा टाइम भी आता है तो ये कैसे एडजस्ट कर लेता है, फिर भी ये इतना खुश है. ठीक है, फिर भी आप कहीं ना कहीं बैड सिचुएशन में भी आप कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल लेते हो. आप अपनी सोच को उसके अकॉर्डिंगली, अपने सर्कमस्टेंसेस जो चल रहे हैं, जो सिचुएशन बैड भी चल रही है, सैड भी चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली फिर भी कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो, अपनी सोच को उसके अकॉर्डिंगली यू नो चेंज कर लेते हो, मॉडरेट कर लेते हो अपने आप को. वो कैसे कर लेते हो? ये लोग तो परेशान हुए हैं, इनकी लाइफ में चाहे खुशियाँ हो या ना हो, लेकिन ये फैन परेशान है. वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड. आप डिसिप्लिन बहुत हो गाइस, यू गाइस आर वेरी ऑनेस्ट. आपको क्लैरिटी है बेसिकली ये चीज़ें. ये लोग आपकी आपके बारे में गोसिप अपने इमोशनल तो है ही नहीं ना गाइस. ये लोग ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं आप लोगों को लेकर. ये चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो तो इनको मिलनी चाहिए थी. ये इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं. इनकी लाइफ में ये हर चीज़ होनी चाहिए थी. इनकी लाइफ में हर एक तरह से प्रोटेक्शन, हर तरफ से अथॉरिटी, हर तरफ से सक्सेस इनको मिलनी चाहिए थी. आप तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को लोग इतना एडमायर करते हैं, इतना पसंद कैसे करते हैं? आप में झूठ नहीं है, आप हमेशा सच का साथ देते हो, सच बोलते हो, फिर भी लोग आपको पसंद करते हैं. ये लोगों को ये चीज़ें जो है ना इस बारे में वो गॉसिप कर रहे हैं. एक तरफ से होता है ना इनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है किसी की. आप लोगों की किस्मत से, आपकी यूनिवर्स ने आपको जितना ब्लेस किया है उस वजह से, चाहे आपके पास कम भी चीज़ें हो ना, फिर भी ये जो जेलस होते हैं, गोसिप करते हैं, वो करते ही करते हैं. ये सिचुएशन मुझे दिख रही है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लॉस की एनर्जी आई है, या फिर जिस तरह से लोनलीनेस की एनर्जी आई है, इनको लग रहा है ये लोग बहुत ज़्यादा अकेले हैं. ये लॉस हो चुका है, चाहे इनके पास सब कुछ हो लेकिन अंदर खुश नहीं है. जब आप किसी की लाइफ में उसकी सक्सेस से खुशी नहीं हो गए तो आप कैसे खुश रहोगे भाई? ये लोगों को चीज़ समझ नहीं आती. वो उसकी अपनी लक है सामने वाले की, जो उसको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है उसके बारे में गॉसिप करना, वो आपको तकलीफ़ तो देगा. इनको आप ना करो, खुश रहो, जो इनकी नसीब में होगा वो इनको मिल जाएगा. ये नहीं वो सोच रहे, लेकिन वो इमेजिनेशन यही कर रहे हैं कि इनको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए थी. ये सब चीज़ें तो वो डिज़र्व करते हैं जो आपको मिली हैं. अपने आप को बहुत मुश्किल से इन लोगों ने रोका हुआ है गाइस, बहुत मुश्किल से रोका हुआ है उन लोगों ने. और ये वही लोग हो सकते हैं जो हो सकता है इस टाइम कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में हैं, या फिर आपके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के क्लोज्ड हैं, जिनके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एंड डीप कनेक्शन है. सो कॉल्ड कहने को आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके वेल विशर्स होंगे. तो अगर कोई ऐसा है तो आप उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जेलसी का कोई इलाज नहीं है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.